पर्व है। हम लोग तो खाली उनके सेवा में खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन हकीकत ये है कि जो भी छठ व्रत करते हैं उनका 4 दिन का उपवास हो जाता है। वो 4 दिन का व्रत करते हैं, इसमें करीब करीब रफली 35 से 40 घंटा तक उनके मुंह में एक बूंद जल का जल नहीं जाता है। और वो जो व्रत करती है अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने बाल बच्चों का विकास हो सके, वो सुखी रह सके, इसके हिसाब से वो लोग व्रत करती है। हम लोग तो उनके एक छोटे से सेवक है जो तो उनकी सेवा के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं। छठ महापर्व का आयोजन 1993 से हम कर रहे हैं, और उसके बाद जब कोविड का महामारी आ गया, ये पेंडेमिक में जब नेशनल पार्क जाने के लिए नहीं देने का हो गया, तो फिर हमने यहाँ पर 2020 से चालू किया। और उसमें सबसे हमारे जो आमदार माननीय अतुल भातकलकर जी है, और उद्योगपति सिन्हा जी है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के मंत्री अशोक सिन्हा जी, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम चालू किया। भव्य दिव्य कर रहे हैं, जो सेवा बन पाती हम लोग करते हैं। लेकिन इस बार से ऐसा हो गया कि आमदार ने बोला कि एकदम भव्य दिव्य करो, क्योंकि आज विश्व में सनातन की डंका बज रहा है, इसलिए इस बार ज्यादा जोर से करना है, क्योंकि राम मंदिर 22 नवंबर को उद्घाटन कर रहे हैं हमारे इस देश के ऋषि तुल्य प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो इस देश के हैं, ऋषि तुल्य सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 22 नवंबर को हमारे देवा के देव आराध्य देव प्रभु राजा रामचंद्र जी का भव्य मंदिर उद्घाटन होने वाला है। तो आमदार ने कहा कि इस बार जोर शोर से करना है, और पूरे मलाड विधानसभा में कम से कम 5,000 घरों में पवनैती को साड़ी बांटने का काम हो गया, कम से कम 50-60 टन गन्ना मंगाए गए। सिन्हा जी ने भी अपने इधर से गन्ना और वो मंगाए, साड़ी भी बांटे इन्होंने भी अपने तरफ से, इन सारी बहुत बढ़िया व्यवस्था। और फिर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम छठ मैया के ऊपर जो गाना बजाना हमारे बिहार में होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉमर्शियल कर दिए थे कुछ दिन पहले, जो राम भगवान को नहीं मानने वाले उनके एक सांसद चुन के आ गए थे, तो मैंने कॉमर्शियल किया। कॉमर्शियल छठ का नहीं, ये छठ पर्व श्रद्धा का पर्व है, ये आस्था का पर्व है, और ये सबसे आज पूरे विश्व में छठ पर्व मना रहे, खाली भारत में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पाकिस्तान छोड़ दे, पाकिस्तान में जो हिंदू हमारे वो तथाकथित उनको भी कैसे प्रस्तावना किया, ये नेहरू की देन है, लेकिन वहां छोड़ के बाकी विश्व में इस्लामिक कंट्री में छठ भयंकर मना रहे। आप लोग को यूट्यूबर है, आप लोग को ज्यादा आपको पता होगा कि यार सऊदी अरब में, दुबई में, सब जगह प्रकार की आस्था झूकते हुए वर्ग को हम लोग देखे, झूकते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को, यानी कि प्रकृति के ऊपर हम लोगों का इतना विश्वास है, जोरदार शानदार और सारे प्रमुख खुश हो गए। और इन्हीं के सबसे साथ में आपको आपके चैनल के माध्यम से